खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, थोडे बसून घ्या प्लीज मागे। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की काल संध्याकाळी आम्हाला 7:30 वाजता एकनाथ शिंदे साहेब आमचे जे गटनेते आहेत त्यांना पत्र मिळालं, गव्हर्नर साहेबांकडून पत्र मिळालं आणि आम्हाला विचारलं गेलं की तुमचं विलिंगनेस आहे का गव्हर्नमेंट फॉर्म करण्यासाठी। काल नंतर खरं तर आज दुपारपर्यंत भारतीय जनता पक्षाला वेळ होती तरी देखील आम्हाला पत्र दिले आम्ही 24 तासाच्या आतच दोन इतर पक्षांबरोबर बोलणी सुरू झालेली आहेत। त्या दोन पक्षांनी इन प्रिन्सिपल आमच्या सोबत येण्यासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांच्यामध्ये देखील बोलणी सुरू झालेली आहेत आणि त्यांना सोबत येण्यासाठी चर्चा सुरू झालेल्या आहेत। अर्थात आमची वेळ ही 7:30 पर्यंत असल्यामुळेच आम्ही 7:45 इथे पोहोचलो आणि गव्हर्नर साहेबांना आम्ही हे सांगितलं की आमचं विलिंगनेस आहे सरकार फॉर्म करण्यासाठी, आम्ही क्लेम केलेलं आहे। अर्थात हे करत असताना 24 तासात किंबहुना पत्र मिळाल्यानंतर 23 तासामध्ये शिवसेनेचे सगळे जे आमदार आहेत त्यांनी 6-7 पत्र दिलेलं आहे पण इतर दोन जे पक्ष आहेत त्यांच्याबरोबर प्राथमिक बोलणी झाल्यानंतर प्रिन्सिपल ओके मिळाल्यानंतर त्यांच्या पण ज्या प्रक्रिया असतात त्या पूर्ण करण्यासाठी किमान 2 दिवस तरी गरजेचे असतात। आम्ही गव्हर्नर साहेबांकडे राज्यपाल महोदयांकडे वेळ मागितला होता, त्यांनी तो वेळ आता आम्हाला नाकारलेला आहे। पण पुन्हा एकदा सांगतो मी की ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर आमचा क्लेम तरी नाकारलेला नाही, वेळ नाकारलेली आहे आणि ही प्रक्रिया झाल्यानंतर शिवसेना आणि जे सगळे आम्हाला पाठिंबा देत आहेत त्या मी इथे लवकरच येऊ। एक महत्वाची गोष्ट ही आहे की 23 तासात 24 तासात जी आम्हाला वेळ मिळालेली, महाराष्ट्रासाठी आम्ही सरकार बनवण्यासाठी पुढे आलेलो आहोत आणि ही प्रक्रिया सुरू राहणार। मला माहिती नाही आता पुढे काय प्रोसिजर असेल, राष्ट्रपती राजवट लागेल की इतर पक्षांना बोलवलं जाईल, पण शिवसेनेचा दावा हा कायम राहणार आहे आणि शिवसेना इथे सगळ्यांना घेऊन पुन्हा एकदा येईल हे मी आपल्याला इथे सांगू इच्छितो। स्थिर सरकार देणं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही पार पाडू। क्वेश्चन इज इन इंग्लिश। कल शाम को जैसे ही भाजप ने दावा था वो नाकारा, वैसे ही हमें खत आया, गवर्नर साहब का खत आया, उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है वो बताया है गवर्नर साहब को, लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी, वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पर रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें 24 घंटे की मुदत दी थी। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ आए। द पॉइंट इज टुडे रादर देन गोइंग इन टू इफ्स एंड बट्स एंड एंटिसिपेटरी क्वेश्चन, बोथ द पार्टीज हैव बीन स्पीकिंग टू अस, द MLAs हैव बीन स्पीकिंग टू अस। ऑफकोर्स एज द टॉक्स आर ऑन, एज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, इट वॉज आर राइट टू बी कमिंग हियर। द गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर हैड कॉल्ड अस, वी स्पोक टू हिज एक्सेलेंसी, वी आस्क्ड हिम फॉर 48 आवर्स एक्सटेंशन बिकॉज वी हैव As per the wordings of the letter, we have expressed our willingness to form government. We are still willing to form government to give a stable and honestful, truthful, honest government to Maharashtra. Mr. Eknath Shindeji had received the letter yesterday and as per the letters, we have fulfilled our duty today. We have expressed our willingness to form the government. However, we've asked for an extension of 48 hours to fulfill all procedure. I believe that today Maharashtra needs a stable government and honest government and Shiv Sena will be able to provide it. We are working on it. We, within the 24-hour span, have come here and spoken about it. Has there been any condition for you? जो अंदर की बातें हैं मैं ज्यादा बता नहीं सकता अभी, क्योंकि हमने अभी सिर्फ आके विलिंगनेस बताया है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, हमारा काम और आपका काम तो जारी है, दोनों महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये राजकीय सब चर्चाएं शुरू है, हमारा और एक कर्तव्य है कि किसानों की तरफ जो भी अभी उन पे संकट है वो दूर करे, तो हमारे सारे शिवसेना के लोग हैं वो भी काम में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।
बड़ी खबर इस वक्त की, राजभवन में राजपाल से मुलाकात करके आदित्य ठाकरे जब बाहर निकले तो बोले कि हमने राज्यपाल से और समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने समय देने से इनकार कर दिया। हम सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या मायने इस सब बात के जो यहाँ कहकर गए हैं आदित्य ठाकरे? देखिए, बहुत ही गंभीर मायने हैं इसके, और ऐसा लग रहा है कि तकनीकी कारण की वजह से अब अटक गई है शिवसेना की सरकार। जी हाँ, खबर यही है, शिवसेना ने सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया है, लेकिन विलिंगनेस एंड एबिलिटी, उसने विलिंगनेस तो दर्शा दी है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन एबिलिटी यानी कि जो आंकड़े हैं उनका पेपर वर्क जो है वो पेश नहीं कर पाई है गवर्नर के सामने, यानी कि जो लिखित में चिट्ठी आनी थी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से उसे पेश नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा आदित्य ठाकरे ने बताया कि इन दोनों ही पार्टियों को जो है अभी आपसी इनसे बातचीत चल रही है और इनको अपनी प्रक्रियाएं पूरी करनी है। जब इनकी अपनी प्रक्रिया पूरी होगी तभी हम जो है अपनी एबिलिटी आपके सामने रख पाएंगे। तो अब जो है सब कुछ राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उन्होंने 48 घंटे का वक्त देने से मना कर दिया। 48 घंटे का वक्त इस प्रक्रिया को निपटाने के लिए मांगा था शिवसेना ने, ताकि ये दोनों ही पार्टियां अपनी प्रक्रिया निपटा लें और उसके बाद में ये आंकड़े इनके सामने रख दिए जाएं कि देखिए हमारे पास में इतने विधायक मौजूद हैं। तो ये आंकड़ा जो है 48 घंटों का वक्त था, 48 घंटे नहीं दिए हैं राज्यपाल ने, अब सब कुछ राज्यपाल पर निर्भर करता है। एक बात ये भी कही आदित्य ठाकरे ने कि जो दावा है उसको खारिज नहीं किया है राज्यपाल ने, तो अभी भी शिवसेना के लिए उम्मीद बंधी हुई है। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल के सामने ऑप्शन ये खुला हुआ है कि वो अब राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो मियाद दी गई थी शिवसेना को विलिंगनेस एंड एबिलिटी साबित करने के लिए, तो विलिंगनेस तो साबित कर दी, लेकिन इन्होंने अपनी एबिलिटी साबित नहीं की है कि ये सरकार स्थापित कर सकते हैं। और ऐसे में अब सब कुछ राज्यपाल के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि राज्यपाल अब अगला फैसला क्या उठाते हैं, क्या वो थोड़ा वक्त देने के बाद में शिवसेना को समय दे देते हैं कि आप ठीक है कांग्रेस एनसीपी से बात करके उनके पत्र ले आइए, उनका प्रोसीजर पूरा हो जाने दीजिए, या फिर वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। ये कुछ देर में ही साफ हो पाएगा, अब राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। ये देखना होगा कि राज्यपाल जो है शिवसेना के इस दावे के बाद क्या फैसला करते हैं। शिवसेना ने दावा कर दिया है सरकार बनाने का, विलिंगनेस दिखा दी है, लेकिन जो लेटर भेजा गया था शिवसेना को राज्यपाल की तरफ से कि आप अपनी विलिंगनेस और एबिलिटी दिखाई, तो जो एबिलिटी का हिस्सा है यानी कि कितने आंकड़े हैं आपके पास, कितने विधायक हैं आपके पास, वो शिवसेना साबित नहीं कर पाई है। आदित्य ठाकरे का यही कहना है कि जो दोनों सहयोगी दल हैं उनके अपने अपने प्रोसीजर से निपटाने के, और जब वो प्रोसीजर पूरे हो जाएंगे इसके लिए 48 घंटे का वक्त लगेगा और उतना समय हमें दे दीजिए, लेकिन राज्यपाल ने वो समय नहीं दिया है। तो अब मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है, बहुत ही गंभीर हो गया है, और फिलहाल शिवसेना के लिए, शिवसेना की सरकार जो है अटकती हुई दिख रही है। रुमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं एक बार जो आपने बातें कही हैं उसे समअप कर दूं, दर्शकों को बता दूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार का जो पेच है वो फंस गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार फंस गई है, अब गेंद जो है वो राज्यपाल के पाले में है। शिवसेना की तरफ से जो 48 घंटे का वक्त मांगा गया था राज्यपाल की तरफ से, राज्यपाल ने वो तो नहीं दिया, लेकिन साथ ही साथ राज्यपाल की तरफ से अभी शिवसेना के दावे को खारिज भी नहीं किया गया है।